con el superstar real. ¡Papa, volaré! बिग बॉस क्या है? बिग बॉस ने लप्पू सा बिग बॉस है, इंसान वापे आवे ना, ये मैं ना कह रहा। वरिष्ठ यूट्यूबर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया और बिग बॉस की भरपूर बुराई की। उनका गुस्सा जायज है, किसी भी ठीक ठाक इंसान का नाम बिग बॉस से जोड़ा जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही। जिस घर में वो इंसान रखे जाते हैं जिनके साथ चिड़ियाघर के जानवर रूम शेयर करने से मना कर दें, वहां कौन जाना चाहेगा। लेकिन बिग बॉस की इतनी बुराई देखकर थोड़ा बुरा मुझे भी लगा। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस देखने वालों का सिर्फ कटता ही है, उन्हें घटिया एंटरटेनमेंट और कुकुर लड़ाई देखने के चरम सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता है, ट्विटर को ट्रेंडिंग लोग मिलते हैं। एक महीने पहले पुनीत सुपरस्टार ट्रेंड हो रहा था, अभी दो चार दिन से देख रहे हैं कि एल्विश यादव ट्रेंड हो रहा है। मुझे तो लग रहा एलन मस्क भी बिग बॉस की वजह से दुनिया का नंबर वन अमीर आदमी बना हुआ है। तो सिर्फ शो चलाने वाले चैनल और बनाने वाले क्रिएटर्स को ही पैसा और फेम नहीं मिल रहा है, उसे देखने वालों को भी कुछ ना कुछ मिल तो रहा ही है। बिग बॉस का टीवी की दुनिया में वही स्थान है जो दिल्ली में उस कचरे के पहाड़ का है जिसकी सड़ांध बारिश के महीनों में और बढ़ जाती है। वो पूरा का पूरा कचरे का पहाड़ बिग बॉस देखने वालों को अपने दिमाग में डालने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। फ्री मतलब लिटरली फ्री नहीं है, उसके लिए समय खर्च करना पड़ता है और खोपड़ी से दिमाग निकालकर टेबल पर रखना पड़ता है। खोपड़ी खाली करनी पड़ेगी ना भाई, तभी तो इतना बड़ा कचरे का पहाड़ खोपड़ी में समाएगा। समय की कमी है नहीं यहाँ, ज़्यादातर जनता बेरोजगार है और जिनके पास काम है भी वो भी सब काम धंधा छोड़कर जेसीबी की खुदाई और कुत्तों की लड़ाई देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे में अगर टीवी पर अंडे और ऑमलेट के लिए दो इंसान जैसे दिखने वाले लोग लड़ रहे हों तो देखने में कितना मज़ा आएगा। मैं 5 साल पहले जब मीडिया में था तो मजबूरी में बिग बॉस के 2-3 एपिसोड देखने पड़े थे, क्योंकि मीडिया का एक रूल है कि चाहे अच्छी खबर हो या कचरा, हमको सब दिखाना ही है। और अगर कचरा वायरल है तब तक तो हमारा ये परम धर्म बन जाता है कि उसको ज़रूर दिखाना है। आजकल वायरल इंसान भगवान के बराबर माना जाता है, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हों या पुनीत सुपरस्टार। इनमें वायरल होने के अलावा कोई गुण है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। वैसे अगर दोनों में से एक बेहतर इंसान को चुनना हो तो मैं पुनीत सुपरस्टार को चुनूंगा, क्योंकि वो जेन्युइनली करता है जो भी करता है, उसके अंदर वो हरकतें समाहित हैं जो हर कोई इंसान नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात कि जो पब्लिक को धार्मिक और राजनैतिक रूप से चा से बेवकूफ़ नहीं बना रहा, वो वाकई महान इंसान है। अब भगत सिंह स्वर्ग से देखते होंगे कि ये डस्टबिन का कूड़ा दिमाग में भरने वालों को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी पर चढ़े थे हम, बहुत बुरा हुआ वो। ये तो चिरकुट बिग बॉस के गुलाम बनने के लिए तैयार बैठे हैं। इनसे तो अंग्रेज ठीक थे, कम से कम उनका ड्रामा इतना स्क्रिप्टेड और इतना लीचड़ लेवल का नहीं था। 90s के लोग क्यों इतने ज़्यादा किस्मत वाले थे, क्योंकि टीवी पर सीरियल भी अच्छे आते थे, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक। बुनियाद, युग, भारत एक खोज, आहुति जैसे सीरियल थे जो लोगों का ज्ञान भी बढ़ाते थे और देश के लिए प्यार भी। तब के देशभक्त सिर्फ झंडा लेकर हल्ला करने वाले और ट्विटर पर एक दूसरे को गरियाने वाले नहीं थे। अब ये रियलिटी शोज़ का दौर आया जिसमें ज़रा भी रियलिटी नहीं है। हर शो में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, कुकुर लड़ाई और फर्जी का रोना धोना। ये आजकल की पीढ़ी की बुरी किस्मत है कि अगर इंडिया में टीवी चैनलों पर कुछ ढंग का देखना हो तो मिलेगा ही नहीं। हर कोई नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार लेकर तो देखेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी भी आपको कुछ ढंग का देखना है तो ये सारे सीरियल और रियलिटी शो छोड़कर वही पुराने सीरियल देख डालो। यूट्यूब पर भारत एक खोज, मिर्ज़ा गालिब, रामायण, युग, ये सारे सीरियल फ्री में मिल जाएंगे। उनको देखना और फिर तुलना करना कि बिग बॉस देखकर दिमाग में जो कूड़ा भरा है और जो समय बर्बाद किया है उसका कितना अच्छा उपयोग हो सकता था। मनोरंजन, ज्ञान, भावुकता सब है वहाँ, बस ये सैडिस्टिक प्लेजर मिलने में जो डोपामीन रिलीज होता है वो शायद ना मिले। एक और बात समझ लो, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल कोई भी तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं है। देश को रखे आगे और राष्ट्रहित सर्वोपरि जैसी बातें सिर्फ जुमले हैं। इनके लिए TRP सर्वोपरि है। आपके भले के लिए घंटा इनके पास कुछ नहीं है, ना कोई सोच रहा है। इनके पास टूल्स हैं, एल्गोरिदम हैं जिसके ज़रिए आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इन भूतियापों में पढ़कर भूख प्यास सब भूल जाओगे। इन्हें पता है कि भारत बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ हर चीज़ की ऑडियंस है। लेकिन कचरा कंज्यूम करने वाली ऑडियंस आपको बनना है या नहीं, ये फैसला आपका, क्योंकि समय है आपका और दिमाग है आपका। कम कहा है, ज़्यादा समझना।